happen? Dravidian style of art and architecture reached its perfection under the Cholas. So static plus factual. Cholas का जो आर्ट और आर्किटेक्चर है आपने डिस्कस करना है और बताना है कि कैसे द्राविडियन स्टाइल का परफेक्शन था वो. देन द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो मेनली टेंपल आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया में पाया गया है. इट डेवलप्ड इन लेट मेडिवल टाइम्स एंड केम टू बी नोटेड फॉर इट्स इनॉर्मिटी एंड डिज़ाइन. Greatest achievements of the kings of Chola Empire were in the field of art and architecture. और कौन सी थी वो ये हैं. Their works were taken upon a stupendous scale. They include irrigation schemes, embankment of artificial lakes, dams across the Kaveri, well-planned cities. तो ये सब आर्किटेक्चर में आता है. आर्किटेक्चर में सिर्फ आर्ट या स्कल्पचर ही नहीं, जो उन्होंने अपने सिटीज़ के लिए, टाउन्स के लिए, विलेजेस के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ टेकअप करी वो भी आप लिख सकते हैं. स्पेशल फीचर ऑफ चोला आर्किटेक्चर क्या था? प्योरिटी ऑफ आर्टिस्टिक ट्रेडिशन. दो मैग्निफिसेंट टेम्पल्स हैं एट तंजौर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम इन ट्रिची डिस्ट्रिक्ट, built in early 11th century CE, which show the best of Chola art. Tanjore mein Shiva temple hai, built by Raja Raja the Great. It is the most magnificent example of Chola architecture, known for spacious courtyards and massive tower. 108 dance poses hain jo Shiv ke, they are carved on the inner walls of this temple. And they testify to heights attained by the Cholas in the field of sculpture. एक imposing structure है जो temple का, जो imposing structure है temple का, it is an example of the finest creation of Chola craftsmen. In another beautiful specimen जो है Chola architecture का is provided by the temple built by Raja Raja's son and successor Rajendra I. इन इज न्यू कैपिटल गंगाई कोंडा चोलापुरम. ये टेम्पल नोन है फॉर इट्स ग्रेट साइज, ह्यूज लिंगम ऑफ सॉलिड ग्रेनाइट एंड डेलिकेट कार्विंग्स इन स्टोन. तो तंजौर एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम दोनों टेम्पल्स के बारे में दो दो लाइनें आप लिख दो. देन महाबलीपुरम ऑल्सो नोन एज ममलापुरम स्ट्रक आउट ऑल टुगेदर अ न्यू लाइन बाय रेजिंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द रथाज, द फाइव पांडवाज एंड द द्रौपदी रथ. अमंग द फाइव पांडवाज त्रिमूर्ति वराह एंड दुर्गा आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो ये ममलापुरम के रथ टेम्पल्स. राइट, मूविंग ऑन. आर्ट में स्कल्पचर के बारे में बात करें, चोला आर्टिस्ट्स मेड सम ऑफ द रेयर स्पेसिमेंस ऑफ इमेजेस इन स्टैचूज ऑफ गॉड्स एंड लाइफ लाइक पोर्ट्रेट इमेजेस ऑफ देयर किंग्स. देन स्टोन एंड मेटल स्कल्पचर्स आर फाउंड इन प्लेंटी इन चोला टेम्पल्स और वो डिपिक्ट करते हैं सोशो रिलीजियस आइडियाज ऑफ द चोला पीरियड. देन चोला ब्रॉन्ज, एक्सक्विसिट आइडल्स ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस एग्जिबिट द सुपर्ब वर्कमैनशिप ऑफ द क्राफ्ट्समैन. सबसे फेमस जो है फिगर ऑफ नटराज और डांसिंग शिव पोर्ट्रेइंग द कॉस्मिक डांस ऑफ शिव, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बात करी थी. देन द चोलाज मेड यूज ऑफ स्कल्पचर्स टू डेकोरेट द वॉल्स, पिलर्स एंड रूफ्स. डेकोरेटिव स्कल्पचर्स जो हैं अभी भी हैं, रियलिज्म डोमिनेटेड स्कल्पचर ऑफ द चोला पीरियड. तो चोला पीरियड स्कल्पचर के ऊपर आपने तीन चार लाइनें लिख दी. देन पोर्ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं. चोलाज एक्सेल्ड द पालवाज इन द आर्ट ऑफ पोर्ट्रेट मेकिंग. जो बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ पोर्ट्रेट्स हैं दे आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ कुरंगनाथ टेम्पल एंड नागेश्वर स्वामी टेम्पल. तो पोर्ट्रेट्स ऑफ चोलम देवी एंड कुलोथुंग 3
इन कलासाती टेम्पल आर ऑल्सो गुड एग्जाम्पल्स ऑफ चोला आर्ट ऑफ पोर्ट्रेट मेकिंग. देन पेंटिंग्स, आर्ट ऑफ पेंटिंग फ्लरिश्ड, फिगर्स वर पेंटेड विद रियलिज्म. प्रोफिशिएंसी ऑफ चोला पेंटर्स आर सीन ऑन देयर पेंटिंग्स. पेंटिंग्स इन बिग टेम्पल्स आर गुड एग्जाम्पल्स. देन उसके अलावा सीन्स ऑफ पेरिया पुरानम आर ब्यूटिफुली डिपेक्टेड इन कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम, विष्णु टेम्पल एट मलयाधिपति. दीज कंटेन दी फाइन स्पेसिमेन ऑफ चोला पेंटिंग्स. राजा राजा वन एंड राजेंद्र कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द चोला पीरियड. तो दो तीन लाइनें स्कल्पचर के ऊपर, दो तीन लाइनें पोर्ट्रेट्स पे, दो तीन लाइनें पेंटिंग्स पे, एंड बाकी आर्किटेक्चर हम डिस्कस कर ही चुके हैं. दिस कंप्लीट्स योर आंसर.